एक जहाज के कैप्टन की कहानी। एक आदमी जिसका नाम जतिन था, वो 3 साल से एक ही जहाज पर काम कर रहा था। एक दिन जतिन रात में नशे में धुत हो गया। ऐसा पहली बार हुआ था। कैप्टन ने इस घटना को रजिस्टर में दर्ज किया। जतिन आज रात नशे में धुत था। जतिन ने यह बात पढ़ ली। जतिन जानता था कि इस एक बात से उसकी नौकरी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए वह कैप्टन के पास गया और फिर माफ़ी मांगी। और कैप्टन ने कहा कि उसने जो कुछ भी लिखा है उसमें आप ये और जोर दीजिए कि ऐसा 3 साल में पहली बार हुआ है, क्योंकि पूरी सच्चाई यही है। कैप्टन ने उसकी बात से मना कर दिया और कहा कि मैंने जो कुछ भी रजिस्टर में लिखा है वह सच है। कुछ दिनों बाद जतिन को रजिस्टर में लिखने की बारी आई। फिर उसने रजिस्टर में लिखा, आज की रात कैप्टन ने शराब नहीं पी है। कैप्टन ने इसे पढ़ा और जतिन से कहा कि इस बात को आप या तो बदल दो अथवा पूरी बात लिखने के लिए आगे भी कुछ और लिखो, क्योंकि जो लिखा गया था उससे पता चलता था कि कैप्टन हर रोज रात को शराब पीता था। जतिन ने कैप्टन से कहा कि उसने जो कुछ भी रजिस्टर में लिख दिया है वही सच है, दोनों बातें सही है, लेकिन दोनों से जो संदेश मिलता है वह झूठ के समान है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। पहली, हमें कभी भी इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो सही होते हुए भी जिससे गलत संदेश मिले। और दूसरी, किसी बात को सुनकर उस पर अपनी सोच बनाने या कोई प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि कहीं हमें इस बात का कोई और पहलू तो नहीं है। अगर संक्षेप में कहे तो हमें आधा सत्य से बचना चाहिए। अगर हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कहानी को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।